स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 16 गवर्नमेंट हिंदी बुक। हाँ तो बच्चों ओपन करो गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 16 पहेलियाँ। ओके ओपन कर लिया। ओके पहेलियाँ सबको पसंद आती है, पहेली जो है वह सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है, पहेलियाँ एक समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है, उन्हें समझाना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियों को समझाना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। पहेलियाँ हमारी विचार शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। तो आज हम पहेली पढ़ेंगे। गोल गोल घर है मेरा, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रोश, जो ही मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। इसका अर्थ है कि मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, जब तुम मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पहेली का अर्थ क्या है? इस पहेली का अर्थ है जलेबी। जलेबी गोल गोल होता है ना, गोल गोल है घर मेरा, हर कमरे में रस, जलेबी में रस भरा हुआ होता है, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे, जैसे ही आप मुंह में मुझे रखोगे हो जाओगे मस्त, खाके मस्त हो जाओगे। क्या है? जलेबी। नेक्स्ट है धरती में मैं पैर छिपाता, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से मुँह भोजन खाता। इसका अर्थ है मैं अपने पैर धरती में छुपाता हूँ, शीश आकाश में ऊंचा रखता हूँ, मैं एक जगह टिका हुआ हूँ पर चल नहीं पाता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? पेड़। पेड़ जो है वह एक जगह धरती पर टिका हुआ रहता है और ऊपर आसमान की तरफ उसका सिर ऊंचा होता जाता है, टिकता है पर चल नहीं सकता, टिकाव तो होता है लेकिन चल नहीं सकता, पैरों से भोजन करता, वो जिस खड़ा रहता है वही धरती से, वही अपने जड़ से भोजन लेता रहता है। नेक्स्ट है तीन अक्षर का मेरा नाम, तीन अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो इसका अर्थ तीन अक्षर का मेरा नाम है, मेरा स्थान सिर के ऊपर है, अंतिम अक्षर कटने पर पग बन जाता हूँ और मध्य अक्षर कटने पर पड़ी बन जाता हूँ। तो क्या हुआ बताओ बच्चों? पगड़ी, पगड़ी। क्या हुआ? पगड़ी। नेक्स्ट है कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है मानचित्र, मानचित्र नक्शा, मानचित्र। नेक्स्ट है कागज का घोड़ा, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम, कागज का घोड़ा और धागे की लगाम, अगर धागा छोड़ दिया जाए तो करे सलाम। उत्तरायण पे क्या उड़ाते हो? पतंग। इसका अर्थ है पतंग। क्या है इसका अर्थ? पता। नेक्स्ट है अभ्यास, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पेड़ हमें किस तरह मददगार होता है, पेड़ हमें किस तरह से मददगार होता है। तो पेड़ हमें किस तरह से मददगार होता है, पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं, इस तरह से पेड़ हमें मददगार होते हैं। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं, प्रश्न उत्तर। पेड़, पेड़ हमें किस तरह मददगार होती है, पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राण वायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमारे लिए मददगार होते हैं। नेक्स्ट है, आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है। अब आपको बताना है कि आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है। तो कौन सी मीठी चीजें पसंद है, मुझे खाने में मीठी चीजें पसंद है जलेबी, लड्डू, पेड़ा और बर्फी आदि। पसंद है ना खाने में मीठे चीज में, मीठे चीज में क्या क्या खाने में पसंद है, मीठे चीज खाने में जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाना है। पतंग के अलग अलग नाम, पतंग के अलग अलग नाम, ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नौरंग आदि, नौरंग आदि। नेक्स्ट है, पढ़कर समझिए और लिखिए। पढ़कर समझना है और लिखना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय में पढ़कर पढ़िए, पढ़कर समझिए, पढ़कर के उसे समझना है। जैसे दिया है धरती, धरती का विरोधी शब्द क्या होता है, आसमान। धरती का विरोधी शब्द, विलोम शब्द आसमान। उठाता, उठाता का विरोधी शब्द क्या है, गिराता। उठाता का विरोधी शब्द है गिराता। नेक्स्ट है ऊपर, ऊपर का विरोधी शब्द क्या होता है, ऊपर का विरोधी शब्द होता है नीचे। ऊपर का विरोधी शब्द क्या होता है, ऊपर का विरोधी शब्द होता है नीचे। आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 107 पे। नेक्स्ट है शुरुआत, शुरुआत का विरोधी शब्द क्या है, शुरुआत का विरोधी शब्द है अंत, शुरुआत का अंत। शहर, शहर का विरोधी शब्द क्या है, गांव, शहर का विरोधी शब्द है गांव। अब उपयुक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हम धरती और आसमान, पहले धरती और आसमान का वाक्य में प्रयोग करना है। हम धरती पर रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, ये हो गया धरती का वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है धरती का अपोजिट जो है उल्टा शब्द क्या है, आसमान। अब आसमान पर आपको वाक्य बनाना है, हम आसमान में नहीं रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते हैं। ऐसे नेक्स्ट है उठाता का गिराता, उठाता का गिराता, तो इसका उठाता का वाक्य कैसे बनाएंगे, अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, और गिराता का बुरा आदमी लोगों को गिराता है। नेक्स्ट है ऊपर, ऊपर का विरोधी शब्द नीचे, तो पहले हम ऊपर का वाक्य बनाएंगे, आसमान ऊपर है, आसमान ऊपर है। अब नीचे का बनाएंगे, धरती नीचे है, आसमान का आसमान ऊपर है वाक्य बनाएंगे, और धरती का नीचे का वाक्य बनाएंगे, धरती नीचे है। इसी तरह से नेक्स्ट है शुरुआत, शुरुआत का विरोधी शब्द
अंत। तो पहले शुरुआत का वाक्य बनाएंगे, इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक की शुरुआत अच्छी है। नेक्स्ट है अंत का आप बनाएंगे, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, शहर शहर का अपोजिट क्या होगा, गांव। शहर का उल्टा शब्द गांव होगा। तो पहले हम शहर का वाक्य बनाएंगे, लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। अब गांव पे बनाएंगे, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है पढ़कर समझिए और लिखिए, पढ़कर के समझना है और लिखना है। हर रोज, हर रोज का अर्थ क्या है, हमेशा, हर रोज हमेशा। पेड़, पेड़ का वृक्ष, हर रोज का हमेशा, पेड़ पेड़ का वृक्ष। शीश, शीश का मस्तक, शीश का मस्तक। पहाड़, पहाड़ का पर्वत, धरती का पृथ्वी, सबका पर्यायवाचक शब्द है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाचक शब्द को पढ़ना और समझना है। पढ़िए, और समझिए। तो इसमें है क्या है, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, हर रोज, हर रोज का हमेशा, हर रोज का, हर रोज हमेशा। नेक्स्ट है पहाड़, पहाड़ का पर्वत, पहाड़ का पर्वत। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ का वृक्ष, पेड़ का वृक्ष, पेड़, पेड़ का अर्थ है वृक्ष। धरती, धरती का अर्थ है पृथ्वी, धरती को समान अर्थ क्या है, पृथ्वी। धरती का पृथ्वी। नेक्स्ट है शीश, शीश का अर्थ है मस्तक, शीश का समान अर्थ है मस्तक, शीश, शीश का समान अर्थ है मस्तक। अब इस पर आपको वाक्य बनाना है, जैसे हर रोज, मैं हर रोज दूध पीती हूँ या पीता हूँ। नेक्स्ट है मैं हमेशा दूध पीती हूँ, हर रोज का अर्थ है हमेशा, एक ही अर्थ है ना, दोनों का मतलब एक ही है, हर रोज और हमेशा। मैं हर रोज दूध पीता हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। ऐसे ही पहाड़ और पर्वत का है, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। नेक्स्ट है पेड़ और वृक्ष, पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष भी हमें छाया देते हैं। ऐसे नेक्स्ट है धरती का समान अर्थ पृथ्वी, धरती सूरज से, धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। नेक्स्ट है हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, शीश, शीश का समान अर्थ है मस्तक, तो हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, मस्तक। हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। नेक्स्ट है चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए, इसमें आपको सूची बनाना है। तो चित्र पर आधारित शब्द की सूची क्या क्या है, इस पर है आदमी, गधा, डंडा, रास्ता, शेर, पेड़, चाय वाला, कपर का सुअर, माला, पहाड़ियाँ, विक्रम, बेताल, तलवार, बंदर, सितार, सांप, वजीर, वजन। ये सब आपको, वजन कितना है 10 किलो का, सबकी सूची आपको बनाना है। अब इस पर है विशेष प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर है जलेबी का घर कैसा है, जलेबी का घर गोल है,
जलेबी का घर कैसा है? जलेबी का घर गोल है। पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाते हैं? पेड़ अपने पैरों को कहाँ छिपाते हैं? तो पेड़ अपने पैरों को धरती पर छिपाता है। पेड़ किससे भोजन करता है? पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है। पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए तो पग शब्द बनेगा। पगड़ी का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाए तो पग शब्द बनेगा। मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। मानचित्र का समानार्थी शब्द है नक्शा। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? कागज का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया। पेड़ क्यों चल नहीं पाता? पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता। हाँ तो बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसे पढ़ना और नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके।